राजस्थान में चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियां भी राजस्थान में दाव खेलने की कोशिश कर रही है, जहां एक तरफ आरएलपी और बसपा भी यहां जोरों शोरों से जुटी हुई है। बात करें राजस्थान में कांग्रेस की, तो कांग्रेस के बड़े नेता सरकार फिर से रिपीट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही आपस में दावेदारों में घमासान देखा जा रहा है, आपस में हंगामा देखा जा रहा है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर शहर में भी पर्यवेक्षकों के सामने एक बार स्थानीय दावेदार और समर्थक जोरदार भीड़े थे और हंगामा हुआ था। उसके बाद जब गुरुवार को स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गौरव गोगाई सहित अन्य सदस्य उदयपुर पहुंचे, उस दौरान भी होटल के बाहर स्थानीय नेताओं ने जमकर हंगामा किया है। तो मैं भी भिंडर से यहाँ पे आया, जो कहेंगे भी यहाँ पे आवेदन लेंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गोगोई जी सबसे मिलेंगे, वन टू वन मिलेंगे, हम सब उनसे मिलने के लिए आए। जब हम चार घंटे से इंतजार कर रहे हैं, हमें पानी भी नहीं पूछा गया, चाय भी नहीं पूछी गई, यहाँ पे किसी को कोई लेना, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कोई बोल नहीं, कांग्रेस पार्टी है, बड़ी जाजम है, कांग्रेस से हम बरसों से जुड़े हुए हैं, हम तो गौरव गोगोई जी से मिलने के लिए बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बाहर जब आए गौरव गोगोई जी, सबको लाइन में खड़ा कर दिया गया। लाइन में खड़ा करने के बाद गौरव गोगोई जी मुश्किल से 8 मिनट के अंदर कम से कम 300 आवेदकों से मिलकर अंदर चले गए। अगर कोई आवेदन दे रहा है, अगर उसकी कोई बात सुननी है, तो कम से कम गौरव गोगोई जी को 2 मिनट उनकी बात सुननी चाहिए थी। वो अपने मन की बात को कहना चाहते हैं, उनकी मन की बात को सुनना चाहिए था, और उस बात को सुनने के बाद में अगर कांग्रेस को मजबूती प्रदान होती, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ता, यही कहना चाहता हूँ। बताया जा रहा है कि जब बैठक चल रही थी, उस दौरान जो कुछ भारी दावेदार बताए जा रहे हैं, जिसमें से गौरव वल्लभ, दिनेश खोडनिया और अन्य दावेदार थे जो होटल के अंदर बैठे हुए थे, और स्थानीय कार्यकर्ता थे, स्थानीय दावेदार थे जो होटल के बाहर थे। ऐसे में विवाद काफ़ी गहरा गया। स्थानीय नेता है, स्थानीय कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि जब तक जो स्थानीय जो नेता होटल के अंदर बैठे हुए वो बाहर नहीं आते, तब तक ये विवाद खत्म नहीं होगा। ऐसे में काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा, और हंगामे के बाद जब उन्हें जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने होटल के अंदर बात पहुंचाई और जब उन्हें बाहर भेजा गया। वहीं दूसरी ओर जो दावेदार थे जिन्हें बुलाया गया था, वो काफ़ी देर तक होटल के बाहर खड़े थे। ऐसे में उन्होंने ज़ोरदार हंगामा किया, उन्होंने जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई थे उन पर आरोप भी लगाए कि महज 8 मिनट में इतने कार्यकर्ताओं से मिल लेना, जबकि उन्हें 1-to-1 करने के लिए बुलाया गया था, 1-to-1 बात करने के लिए बुलाया गया था, उनकी परेशानियां सुनने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब गौरव गोगोई होटल के बाहर पहुंचे, उन्होंने 8 मिनट में सभी सदस्यों से मिल लिया और उनकी जो फाइलें थी वह ले ली। ऐसे में जहाँ नेता थे, वल्लभ नगर विधानसभा के नेता कुबेर सिंह चावड़ा ने जमकर इसका विरोध जताया कि जो गौरव गोगोई है, उन्होंने सिर्फ 8 मिनट में अपना टाइम पास किया, 8 मिनट में लोगों से मिले। जहाँ एक तरफ कांग्रेस फिर से सरकार रिपीट करने की बात कर रही है, कांग्रेस के बड़े आलाकमान नेता कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं, राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता जो राजस्थान में दौरा कर रहे हैं और फिर से सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार रिपीट कैसे होगी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस में जो नेता है, कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, कांग्रेस में आपस में लोग भिड़ते नजर आ रहे हैं, अंतर्कलह जमकर देखी जा रही है। ऐसे में बात करें उदयपुर में जो हंगामा हुआ है, 2 बार ऐसा हंगामा देखने को मिला है, कहीं ना कहीं यह हंगामा कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है, यह जो कांग्रेस के आपसी फूट एक बार फिर से भारी पड़ सकती है। TV9 के लिए राजेश डांगी।